हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही जायकेदार मटन कोफ्ता करी। इसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 300 ग्राम कीमा लिया है। इसको वॉश कर लेंगे और इसका एक्सेस वाटर ड्रेन कर लेंगे, इसमें वाटर नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ मसाले लेंगे, जैसे धनिया, जीरा, सूखी मिर्ची, सौंफ, जावित्री, सफ़ेद इलायची, लौंग, काली मिर्च। इन सभी मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपके कोफ्ते परफेक्ट बनकर तैयार हो। यहाँ पर हमने 100 ग्राम बेसन लिया है और इसको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है और कंटिन्यू चलाते रहना है। जब हल्का कलर चेंज हो जाए और हल्की स्मेल आने लगे, इसका मतलब बेसन बढ़िया सा रोस्ट हो गया है। अब हमने जो खड़े मसाले लिए थे, इसको भी हल्का ही रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा आप रोस्ट करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। आइए अब हम कोफ्ते की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और कटा हुआ हरा मिर्चा और जो हमने बेसन रोस्ट किया था उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और जो हमने मसाला हल्का रोस्ट किया था उसको ग्राइंड कर लेंगे और उसमें से 2 टीस्पून कोफ्ते में ऐड कर देंगे और बाकी के मसाले हम बचा लेंगे। उसको हम आगे बताएंगे कि आपको क्या करना है। और इसके बाद हम इसमें फ्राइड अनियंस ऐड कर देंगे। अब हम इस कोफ्ते के मिक्सचर को प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। हाथों की हेल्प से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा। जब कोफ्ते का मिक्सचर प्रॉपरली मिक्सअप हो जाए फिर हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद ही कोफ्ते बनाएं, इससे कोफ्ते अच्छे बनेंगे। और ये देखिए, हमारे कोफ्ते बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अब हम एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और उसमें सभी कोफ्ते को बिल्कुल गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं कि तेल एकदम गर्म हो गया है, तो हम इसमें सारे कोफ्ते ऐड कर देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। और जब तक ये गोल्डन फ्राई नहीं हो जाता हमें इसको फ्राई करते रहना है। जब एक साइड से गोल्डन फ्राई हो जाए फिर हम इसको टर्न कर देंगे जिससे दोनों तरफ से बढ़िया गोल्डन फ्राई हो जाए। और आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके कोफ्ते फ्राई करने में या कोफ्ता करी में आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होंगे। तो आप मेरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका भी कोफ्ता करी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर देखिए, हमारे कोफ्ते गोल्डन फ्राई हो रहे हैं। अभी इसको थोड़ा और फ्राई करना है जिससे इसमें परफेक्ट कलर आ सके। फ्रेंड्स, ये कोफ्ता करी बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार हुआ था। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए, यहाँ पर हमारे कोफ्ते बढ़िया गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे कोफ्ते तो परफेक्ट गोल्डन फ्राई होकर रेडी हैं और ये कहीं से भी टूटे फूटे नहीं हैं। आइए अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और यहाँ पर हमने 2 प्याज को फाइन चॉप कर लिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो हम प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज डालने के बाद हम इसमें हरे मिर्चे, तेज़पत्ता और दालचीनी की लकड़ी को भी इसी में डाल देंगे और हल्का फ्राई कर लेंगे। और हरे मिर्चे में आपको हल्के कट लगा लेने हैं। जब प्याज हल्का गोल्डन होने लगे, उसका कलर चेंज होने लगे, फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक को भी हमें अच्छे से भून लेना है जिससे इसमें कोई कच्चापन ना रह जाए। जब लहसुन अदरक भुन जाए तो हम 2 टमाटर ले लेंगे मीडियम साइज़ का, उसको रफली चॉप करके उसका फाइन पेस्ट बना लेंगे और उस पेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे। इससे ग्रेवी का फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हांस होगा। और अब इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है। इसके बाद हमें इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करना है। कश्मीरी लाल मिर्च से ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इन सभी मसालों को प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे जिससे ग्रेवी में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से इन्हांस होकर आए। और हमें इसको थोड़ी देर तक भून लेना है। जब इसमें ऑयल सेपरेट होने लगे, इसका मतलब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है और ये भून चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। इस मोमेंट पर हम फ्राइड करी हुई अनियंस को ऐड कर देंगे। अगर आपके पास फ्राइड अनियंस नहीं है तो आप स्टार्टिंग में 2 प्याज की जगह 4 प्याज ऐड कर दीजिएगा। लेकिन फ्राइड अनियंस का फ्लेवर ग्रेवी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है फ्रेंड्स, तो आप कोशिश करिएगा फ्राइड अनियंस ही ऐड करें। और जब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए तो हम इसमें 1 कप वाटर ऐड कर देंगे। जितनी आपको ग्रेवी रिक्वायर्ड हो आप उतना पानी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने जो स्टार्टिंग में भुने मसाले का पाउडर बचा लिया था उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। इससे ग्रेवी में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। भुना मसाला डालने के बाद हम इसको 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पका लेंगे जिससे सब कुछ मिक्सअप हो जाए।
5 मिनट हो गए फ्रेंड्स, और ये देखिए ग्रेवी बिल्कुल बढ़िया से पक रही है। इस मोमेंट पर हम इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते को ऐड कर देंगे, और कोफ्तों को ऐड करने के बाद हम इसको एक बार चला लेंगे। इस मोमेंट पर हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कोफ्ते मसाले सभी कुछ प्रॉपर्ली मिक्सअप हो जाएं। और ये देखिए हमारे कोफ्ते और मसाले बिल्कुल मिक्सअप हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक आलू को 4 पीसेज में कट कर लेंगे और इसे डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के बाद हम इसे ग्रेवी में ऐड कर देंगे। ग्रेवी में ऐड करने के बाद हमें 2 विसल लगा लेना। 2 विसल में हमारे कोफ्ते और आलू दोनों बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और ये देखिए हमारा टेस्टी सा मटन कोफ्ता करी रेडी है। आप इसे ऊपर से हरा धनिया से गार्निश कर दीजिए और राइस या चपाती के साथ सर्व करें। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और आप देख सकते हैं कि आलू कोफ्ता करी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है।